हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हो, श्रीलंका और मालदीव के राष्ट्रीय प्रतीक, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से रिलेटेड जो भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके बारे में मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप हमें अगर कहीं फॉलो करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिना समय गवाए चलते सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका की। चित्र में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है श्रीलंका, ये भारत के साउथ में स्थित है श्रीलंका। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे नेशनल फ्लैग के बारे में, ये श्रीलंका का नेशनल फ्लैग है जिसमें शेर एक तलवार के साथ दिखाई दे रहा है, तो आपको ये याद रखना है नेशनल फ्लैग श्रीलंका का। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रगान की, तो श्रीलंका माता, ये राष्ट्रगान है श्रीलंका का और इसे स्वतंत्रता 4 फरवरी 1948 को मिली थी। ये दोस्तों आजाद हुआ था 4 फरवरी 1948 को अंग्रेजों से। बात करते हैं श्रीलंका की राजधानी की, तो जयवर्धनपुरे कैपिटल है श्रीलंका की और सबसे बड़ा शहर यानी लार्जेस्ट सिटी है कोलंबो श्रीलंका में। दोस्तों कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि राजधानी भी कोलंबो ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जयवर्धनपुरे कोटे ये राजधानी है और कोलंबो सबसे बड़ा शहर है। जैसे कि दोस्तों अपने यहाँ मुंबई है सबसे बड़ा शहर और राजधानी है दिल्ली, इसी प्रकार से श्रीलंका में भी है। बात करते हैं राष्ट्रीय भाषा की, तो सिंहला यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है और इसके साथ तमिल भी यहाँ पर बहुत एरिए में बोली जाती है। नेक्स्ट है नेशनल करेंसी यानी राष्ट्रीय मुद्रा की, तो श्रीलंकन रुपया ये नेशनल करेंसी है यानी राष्ट्रीय मुद्रा है श्रीलंका की। दोस्तों अब बात करते हैं राष्ट्रीय फल की, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है जैक फ्रूट यानी नेशनल फ्रूट है जैक फ्रूट। बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी की, तो जंगली फॉल, सुंदर सा ये जंगली फॉल श्रीलंका का नेशनल बर्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय पशु की, तो हाथी और शेर ये दोनों श्रीलंका के नेशनल एनिमल है। दोस्तों आपको बता दें हाथी यहाँ का विरासत पशु है। राष्ट्रीय फूल की बात करें तो ब्लू वॉटर लिली यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये ब्लू वॉटर लिली श्रीलंका का नेशनल फ्लावर है। दोस्तों आपको बता दें इन दोनों में से आपसे एग्जाम में कोई सा भी एक क्वेश्चन बन के पूछा जा सकता है, तो आपको इन दोनों के बारे में याद जरूर रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय डिश के बारे में, तो यहाँ की नेशनल डिश है चावल और करी। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, चावल और करी आपने कभी बहुत कम सुना होगा किसी देश की राष्ट्रीय डिश है, तो श्रीलंका की राष्ट्रीय डिश है चावल और करी। यहाँ की पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट ही है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय पेड़ की, तो साइलेंट आयरवुड ये श्रीलंका का राष्ट्रीय पेड़ है यानी नेशनल ट्री है। बात करते हैं राष्ट्रीय खेल की, तो वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है नेशनल गेम यानी राष्ट्रीय खेल श्रीलंका का यह है वॉलीबॉल। बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे। चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये हैं गोटबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आपको बता दें ये दोनों भाई हैं। दोस्तों महिंद्रा राजपक्षे पहले भी जो है राष्ट्रपति रह चुके हैं श्रीलंका के, लेकिन वहां पर राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा नहीं रहता है, इसलिए इन्होंने अपने भाई गोटबाया राजपक्षे को यहाँ का राष्ट्रपति बना दिया और स्वयं प्रधानमंत्री बन गए। तो चलिए अब बात करते हैं मालदीव के बारे में, तो आप मैप में मालदीव के बारे में देख पा रहे होंगे ये है मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले और ये भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रीय फ्लैग यानी नेशनल फ्लैग के बारे में, तो ये आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर में और आधा चांद, ये मालदीव का नेशनल फ्लैग है। नेक्स्ट बात करते हैं मालदीव के राष्ट्रगान की, तो कौमी सलाम यहाँ का नेशनल एंथम है, आपको इसके बारे में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करें अगर स्वतंत्रता दिवस की, तो 26 जुलाई 1965 को मालदीव अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दोस्तों आपको बता दें 26 जुलाई को ही अंग्रेजों से मालदीव आजाद हुआ था, इस कारण इसका स्वतंत्रता दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं राजधानी है माले और राष्ट्रीय भाषा है दिवेही। मालदीव की जो राष्ट्रीय भाषा है वह है दिवेही। बात करते हैं राष्ट्रीय मुद्रा की, तो मालदीवी रुपया ये राष्ट्रीय मुद्रा है मालदीव की। बात करते हैं राष्ट्रीय पशु के बारे में,
तो येलोफिन टोंग मालदीप की राष्ट्रीय पशु है। आपको बता दें मालदीप में सबसे ज्यादा ये मछली पाई जाती है। ये मछली का ही एक प्रकार होती है जिस कारण इसे राष्ट्रीय पशु की दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय फूल के बारे में। तो पिंक रोज मालदीप का राष्ट्रीय फूल है, यानी नेशनल फ्लावर है पिंक रोज। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय फल की। तो कोकोनट यहाँ का राष्ट्रीय फल है, यानी नेशनल फ्रूट है। राष्ट्रीय संसद यानी पार्लियामेंट का नाम है मजलिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में कि मालदीव की संसद या पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो मजलिस यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। दोस्तों वर्तमान राष्ट्रपति है मोहम्मद इब्राहिम सोलह। चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये है मोहम्मद इब्राहिम सोलह है जो वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति है। वहीं बात करें वर्तमान प्रधानमंत्री की, तो अब्दुल्ला जिहाद यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों ये वीडियो मैं 1 फरवरी 2020 को बना रहा हूँ। अगर यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चेंज हो जाते हैं तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं, लेकिन और जो भी चीजें हैं वह अभी फिलहाल स्थिर हैं, उनको अपडेट नहीं करना होगा जब तक कोई नई अपडेट नहीं आती है मालदीव के। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो को आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों इससे पहले मैं आपको नेपाल, बांग्लादेश आदि के बारे में वीडियो बना चुका हूं, तो आप इसे जाकर जरूर देखें। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।